आज शाम थम जाएगा दूसरे फेज के प्रचार का शोर। 13 राज्यों की कुल 88 सीटों पर वोटिंग। सेकेंड फेज के लिए 26 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और यूपी की 8-8 सीटों पर होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा देश को तबाह करने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। आज एमपी में भी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। केरल के अलप्पुजा में अमित शाह की जनसभा, कहा मोदी जी के साथ केरल की जनता आगे बढ़ने को तैयार है। मोदी के नेतृत्व में केरल बनेगा हिंसा मुक्त। दूसरे फेज के प्रचार के आखिरी दिन केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा जनता से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी नहीं करती है बात। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा देश की कीमत पर सत्ता पाने की कांग्रेस की मंशा, देश की सुरक्षा संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव के बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान, अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लगाने की बात कही। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम का पलटवार, कहा कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कांग्रेस के खतरनाक इरादे सामने आ गए। पित्रोदा के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा कांग्रेस की छिपी मंशा सामने आई, कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, बोली सुप्रिया श्रीनेत, सैम पित्रोदा का बयान उनका निजी है, ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं।